इसमें क्या होता है कि एक लोग भी इसे चला सकता है, ये नहीं है कि ऑफसेट की तरह बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़े इसमें, और वो भी आसानी से प्रिंटिंग की तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल ऑफसेट का वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक भाई हैं मार्केट में, उनके पास में डिजिटल ऑफसेट है, तो मैं आज आपको उसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे प्रिंट किया जाता है, क्या किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आज हम आपको डिजिटल ऑफसेट से आपको शादी कार्ड प्रिंट करके दिखाएंगे। जो हमारा कार्ड है, ये वाला कार्ड हम आज आपको प्रिंट करके दिखाने वाले होते हैं कि किस प्रकार मास्टर बनाया जाता है और किस प्रकार कार्ड प्रिंट किया जाता है और किस प्रकार काउंटिंग होती है। तो सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं डिजिटल ऑफसेट लगाना तो आप इंडिया मार्ट पर जाकर आसानी से खरीद सकते हैं, और बहुत सारे डीलरों के नंबर मिल जाते हैं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग इसका प्राइस होता है। तो देखिए ये हमारा डिजिटल मशीन है, तो अब पहले ऊपर लिफाफे को प्रिंट करने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम लिफाफे का मास्टर बनाएंगे, और जो मास्टर निकालेंगे वो हम लेयर प्रिंटर से निकालते हैं। तो इसका मास्टर जो है हम सादा कागज़ पर भी निकाल सकते हैं, वाइट पर, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पॉली वाला हो। अब देखिए हमारा मास्टर कुछ इस प्रकार है, तो अब इसको हम मशीन में लगा करके मास्टर बनाएंगे। तो अब हम लगाने वाले हैं। और जो दोस्तों मास्टर है वो हम उल्टा करके लगाएंगे, तो हमारा जो मशीन है वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेगा और स्कैन करने के बाद में अपना मास्टर बना लेगा। देखो हमने लगा दिया है मशीन में मास्टर, और मशीन प्रोसेस कर रही है और मास्टर को तैयार कर रही है। और जैसे मास्टर तैयार होगा तो हमारा एक कार्ड बाहर निकल के आ जाएगा चेक के लिए, और जैसे वो मतलब इधर उधर होता है तो हम उसका साइज सेट कर सकते हैं बटन से। तो हमारा देखिए मास्टर बन चुका है, तो अब हमारा एक प्रिंट निकल के बाहर आएगा ये। अब हम चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना बेस्ट क्वालिटी है प्रिंटिंग का। थोड़ा ये ऑफसेट मशीन के से कॉस्टली पड़ता है जो इसका प्रिंटिंग होता है। तो हमारा एक प्रिंट निकल चुका है और बाकी के हम प्रिंट भी फीड कर दे रहे हैं, क्योंकि हमें 100 कार्ड प्रिंट करने हैं, तो अब हम 99 और फिट कर देंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, यानी स्टार्ट का बटन दबा देंगे तो हमारा कार्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्रिंट होना। और दोस्तों पल्लव झपकते ही प्रिंटिंग हमारा बाहर निकल के आ जाता है। और जो ये मशीन है तो इसमें क्या होता है कि एक लोग भी इसे चला सकता है, ये नहीं है कि ऑफसेट की तरह बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़े इसमें, और वो भी आसानी से प्रिंटिंग की तरह सारे प्रिंट किए जा सकते हैं। जैसे मान लो बिगल बुक हो गया, टेम्पलेट हो गया, तो सारे काम कर सकते हैं। तो हम अपने हिसाब से 12-18 लगा सकते हैं, तो देख सकते हैं आप कितना बेस्ट क्वालिटी और कितना फास्ट प्रिंटिंग होके आ रहा है। तो दोस्तों हमारा काउंटिंग पूरा हुआ, अभी 14-15 कार्ड रह गए हैं। तो इसके होने के बाद में फिर हम मास्टर जो है अंदर वाले का यानी लीफ का बनाएंगे। हमारा प्रिंटिंग पूरा हो चुका, अब मास्टर हम लीफ का बनाने वाले हैं। पहले सबसे पहले हम कार्ड लगा लेंगे मशीन के अंदर, क्योंकि मास्टर बनने के तुरंत बाद एक प्रिंट चेक के लिए आता है। और इसका जो साइज होता है वो हम थोड़ा चौड़ा कर लेंगे, क्योंकि लीफ का था वो लिफाफे का साइज सेट था। तो हमारा कार्ड है जो लग चुका है, अब ये हमारा मास्टर है दोस्तों लीप का। तो अब हम इसे स्कैन करेंगे, और स्कैन करेंगे तो जो हमारा और स्कैन जो करते हैं हम उल्टा करके करते हैं, उल्टा रख करके, तो जैसे रख देंगे हम तो मशीन स्वतः ही प्रोसेस ले लेगी। देखिए स्कैन कर रही है मशीन। दोस्तों ये मेरे पास नहीं है मशीन, मैं एक भाई है मार्केट में उनके पास है, तो मैं जाकर वहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर
कर देना। तो हमारा वीडियो जो है थोड़ा 6 मिनट के लगभग हो जाएगा। अब देखिए हमारा स्कैन हो चुका है, तो हमारा एक प्रिंट बाहर निकल के आने वाला है। देखो इस तरीके से निकल कर आ गया। तो साइज भी हमारा थोड़ा सेट है, इधर उधर नहीं है। तो हम इस पर क्वांटिंग यानी कि नंबर फीड कर देंगे। अब हमारा एक कार्ड प्रिंट हो गया, तो हमें 99 फीड करने हैं। और ऐसे ही करेंगे तो स्टार्ट बटन से प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा और ना कुछ देर में हमारा प्रिंटिंग पूरा हो जाता है। गाइस इस मशीन से क्या होता है कि हम अब जो हमारा ऑर्डर होता है वो तुरंत भी दे सकते हैं और आप अपने बजट के अनुसार लगा सकते हो और अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। देखिए थोड़ा इधर उधर था तो साइज सेट हो गया। अब हम बाकी की कार फिट कर लेंगे। तो गाइस बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। हमने कार्ड फिट कर दिए हैं, तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी प्रिंटिंग। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार प्रिंटिंग चल रही है। गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपको इस मशीन का प्रिंटिंग कैसा लगा वो भी आप बताना। जब तक आप लोग बताओगे नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। देख सकते हैं आप क्वांटिंग कितनी फास्ट चल रही है दोस्तों, इतना फास्ट प्रिंटिंग हो रहा है। तो आप इस मशीन को लगा करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। तो दोस्तों हमारा प्रिंटिंग होने वाला है और हम वीडियो को करने वाले समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।